हाय स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपना चैनल एवीपीएन एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग साइंस के चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो सेकंड वीडियो में हम लोग आते हैं। यह हमारा चैप्टर है वस्तुओं का समूह बनाना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़े थे, किस तरह से वस्तुओं के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो कठोरता के आधार पर अलग करते हैं, या फिर एक ही पदार्थ से बने वस्तुओं को हम लोग देखे थे, या एक वस्तु में कितने सारे पदार्थों को मिलाकर जो है बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके आगे में क्या पढ़ना है। तो हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, जल में तैरना या डूबना, जल में तैरना या डूबना, जल में तैरना या डूबना क्या होता है। जल में तैरने वाले या डूबना, जल में तैरना या डूबना, ऐसे जो जल में डूब जाते हैं उसका अलग समूह बन सकता है, और जो जल में तैरते हैं उनका अलग समूह बन सकता है। इससे हम लोग वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं कि जल में तैरने वाले ये सारे इतने सारे वस्तु हुए, और जल में डूबने वाले इतने सारे वस्तु हुए, उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। एक प्रयोग करके आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग वस्तुओं का जांच डूबने और तैरने से कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा टब लीजिए, उस टब में पानी से उसको भर दीजिए, और कुछ मटेरियल्स लीजिए। अब क्या क्या मटेरियल्स लेते हैं, तो एक समूह बना दीजिए डूबने वाले वस्तु, और दूसरा हुआ तैरने वाले वस्तु। तैरने वाले वस्तु, अब इस समूह में क्या क्या चीज को बारी बारी से डालिएगा, तो सबसे पहले आप बालू डाल दीजिए, दूसरा पत्थर डालिए, तीसरा नंबर प्लास्टिक डालिए, चौथा नंबर लकड़ी डालिए, पांचवा नंबर लोहा डालिए। अब इतने सारे छठा नंबर लेते हैं फोम को डालिए। इतने सारे पदार्थों को लेते हैं, इतने सारे वस्तुओं को लेते हैं, और एक एक करके चेक करते हैं। अगर बालू को डालिएगा तो बालू जो है वो डूब जाएगा, फर्स्ट नंबर डूब गया। पत्थर को डालिएगा तो सेकंड नंबर भी आपका डूब गया। प्लास्टिक अगर डालिएगा, तब जैसे आप प्लास्टिक इसमें डालते हैं, जल में डालते हैं, तो प्लास्टिक वो तैरना शुरू करता है, तो तीसरा नंबर जो आ गया आपका वो तैरने वाले वस्तु हो गया। चौथा लकड़ी को अगर आप डालते हैं, तो लकड़ी को डालिएगा तो वह पूर्णतः नहीं तैरता है, और नहीं वो पूर्णतः डूब जाता है। तो ऐसे वस्तुओं को तैरने वाले ही श्रेणी में रखते हैं, बस उसका कुछ पार्ट्स अंदर रहता है, कुछ पार्ट्स ऊपर रहता है। तो चौथा नंबर जो हो गया इसको आप इस श्रेणी में रख दीजिए। पांचवा लोहा जो है, लोहा को किस श्रेणी में रखिएगा, तो लोहा को जैसे आप इसमें डुबाना चाहिएगा, डुबाना चाहिएगा तो यह डूब जाएगा लोहा, तो डूबने वाले वस्तु में रखिए। आपका 5 नंबर आपका डूबने वाले वस्तु में हो गया। छठा नंबर, अगर फोम को अगर आप डुबाते हैं तो फोम आपको नहीं डूबेगा, यानी जो आपका 6 नंबर जो है वह तैरने वाले वस्तु में गिन दिया जाएगा। तो इस तरह से आप तैरने वाले को अलग समूह बना सकते हैं, जैसे समूह बना, और डूबने वाले वस्तुओं को अलग समूह बना सकते हैं। तैरने वाले यानी डूबने वाले वस्तु हो गया, अब ये जो हुआ वो तैरने वाले वस्तु हुआ। तो
हम इस तरह से वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात हम बताते हैं आपको, आखिर कोई वस्तु जो है जल में क्यों डूबता है, उसका कारण क्या है? तो डूबने का कारण है उस वस्तु का घनत्व। अगर वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर बोलते हैं इसको, WD से डिनोट कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का घनत्व, अगर पानी का घनत्व, और दूसरा अगर हम डिनोट करते हैं आपको ऑब्जेक्ट डेंसिटी OD से डिनोट करते हैं। तो अगर आप यहाँ समझिए कि अगर WD अगर बड़ा होगा OD से, यानी वस्तु का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा, तो यह क्या करेगा? तैरना आरंभ करेगा, तैरेगा। अगर वाटर का डेंसिटी अगर कम हो जाता है पानी के डेंसिटी से, तो क्या होगा? छाला जाएगा। छाला का मतलब ऊपर उसका फर्श पर, मतलब सतह पर आएगा, पानी के सतह पर आएगा। तो वस्तु पानी की सतह पर रहेगा। अगर WD बराबर अगर हो जाता है OD से, तो क्या होगा? तब उस स्थिति में वह बीचे बीचे, यानी पानी इतना है तो बीचे बीचे तैरेगा, ना ज़्यादा डूबेगा, मतलब ना पूर्णतः डूबेगा, और न ही जो है तैरेगा, वह आंशिक डूबा हुआ रहेगा। क्या कह सकते हैं? यह आंशिक डूबा हुआ रहेगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना चाहिए कि कैसे जो है वस्तु डूब जाता है, किस तरह से वस्तु जो है पानी के सतह पर तैरता है, और किस तरह से वस्तु जो है, किस प्रकार के वस्तु जो है वह क्या होते हैं, तो पानी के अंदर अंदर तैरते हैं। चलिए, तो हम लोग जल में तैरने और डूबने वाले वस्तुओं का समूह बना लिए। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में हमें पढ़ना है पारदर्शिता। क्या पढ़ना है? पारदर्शिता। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंस, यह प्रकाश से जुड़ा हुआ है। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह प्रकाश से जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है। लाइट ही इसके मेन इफेक्ट का कारण बनते हैं। कैसे? तो चलिए एक ऑब्जेक्ट लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु है ना, वस्तु। और इस वस्तु से लाइट को क्या किए? पास करवाएं। इस वस्तु से लाइट जो है पास करवाते हैं, प्रकाश को पास करवाते हैं। अगर इस वस्तु से प्रकाश जो है पार हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु, यानी वैसे वस्तु जो प्रकाश को अपने थ्रू, है ना, अपने अंदर से पास होने दे, तो उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ट्रांसपेरेंस कहते हैं। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं वो है, अब इससे अगर हम लाइट पास करवाते हैं, क्या पास करवाते हैं? लाइट पास करवाते हैं। अगर वह पास नहीं हो जाए, यहीं पर ब्रेक हो जाए, यहीं पर रह जाए, पास नहीं हो पाए, तब ऐसे वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अच्छा, ऐसे वस्तु जो अपने अंदर से लाइट को थोड़ा थोड़ा जो है पास करवाए, कम मात्रा में पास करवाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग
पारभासी कहते हैं, पारभासी कहते हैं, पारभासी कहते हैं, यानी आंशिक रूप से पास होने दे प्रकाश को, प्रकाश को आंशिक रूप से, प्रकाश को आंशिक रूप से पास होने दे, तो हम ऐसे वस्तु को क्या बोलेंगे, तो पारभासी बोलते हैं। ऐसे वस्तु को हम लोग पारभासी बोलते हैं, ऐसे वस्तु जिसे प्रकाश पार न हो, प्रकाश पार न हो, तो ऐसे वस्तु अपारदर्शी कहलाते हैं। ऐसे वस्तु जिसे प्रकाश पार कंप्लीट हो जाए, ठहरे नहीं, तो ऐसे वस्तु क्या कहलाते हैं, पारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। तो प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश का गुण होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर पढ़कर उसको, है ना, उसको दृश्यमान बनाना। किसी वस्तु पर अगर प्रकाश अगर पड़ता है तो उसको क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है, यानी वह हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, अनुभूति होती है हमें। अगर वैसे वस्तु से जिससे लाइट पास हो जाता है उसको हम देखने में अचंभित, मतलब देखने में हमें दुविधा होती है, हम उसको सही ढंग से नहीं देख पाते हैं या फिर टक्करा जाते हैं उससे, तो प्रकाश ही मेन कारण होता है। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में तो बहुत सारे रंग मिले होते हैं, 7 रंगों से वह बना हुआ होता है। जैसे हम किसी प्रिज्म से होकर उसको पास करवाते हैं तो वे अलग अलग अपवर्तनांग के कारण विभक्त हो जाता है, सभी उसके जो रंग हैं सभी विभक्त हो जाते हैं अपने अपवर्तनांग के कारण। तो प्रकाश के गुण होता है। वस्तु दिखाई कैसे देता है, तो वस्तु जैसे उस पर लाइट पड़ता है तो वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वहाँ से परिवर्तित कर देता है। जब भी परिवर्तित करता है तो जिस रंग को वह परिवर्तित करेगा वह हमारी आँखों तक पड़ेगा, तो उस रंग को हम पहचान लेंगे कि वह रंग, मतलब उस वह वस्तु जो है उस रंग का है, यानी जो वस्तु जिस रंग का होगा उस रंग को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा, तो वह वस्तु में दिखाई देता है, उस प्रकार कहीं दिखाई देता है, उस रंग कहीं दिखाई देता है। तो हम लोग पारदर्शी को भी देख लिए कि पारदर्शिता क्या होता है। देखिए आप इसमें और भी चीज़ें अगले क्लास में आप पढ़ सकते हैं, छाया हुआ के बारे में पढ़ सकते हैं, कि जैसे आप किसी वस्तु को रखते हैं, रखने के बाद इधर से आप लाइट गुजारते हैं तो आपका, है ना, आपका इसका छाया जो है इसके जस्ट अपोजिट में पड़ता है, इसका छाया क्या होगा, अपोजिट में पड़ेगा। जैसे आप एक कैंडल जलाइए, है ना, कैंडल जलाइए, आप जैसे ही कैंडल जलाते हैं और इस वस्तु को इधर रखते हैं, थोड़ा सा दूर रखिए इसको, इधर रखते हैं, तो इससे पास जो है लाइट सगरों से होता है, मतलब चारों तरफ से होता है, स्फेरिकल टाइप का उसका लाइट पास होता है, तो यहाँ तक तो वह लाइट जो है इस वस्तु के कारण पास ही नहीं होगा, तो इसका छाया जो है इधर बनेगा, इधर बनेगा इसका छाया, इसका छाया जो है, शेडो जो है कहाँ बनता है, इसके जस्ट, यानी प्रकाश जिधर से आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट में पड़ता है, यानी उसका उल्टा, प्रकाश तो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन छाया उसके उल्टा पड़ता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप इसको और भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या हमारा हाथ पारदर्शी की तरह काम करता है कि अपारदर्शी की तरह काम करता है? तो देखिए सबसे अच्छा उपाय है, आप अपने कमरे में, है ना, एक टॉर्च ले लीजिए जो अच्छी लाइट करता हो, आप कमरों को अंधेरा कर दीजिए, अपने हाथ की हथेली से टॉर्च, है ना, टॉर्च से आप लाइट दीजिए अपने हाथ की हथेली पर और उसको देखिए, अवलोकन कीजिए, क्या आप देखते हैं कि क्या अपने हमारे हाथों से प्रकाश पार कर गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रकाश पार नहीं होता है, वह प्रकाश को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, तो हमारा हाथ क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया, देखने में ऐसा लगता है कि लाल लाल पूरा ऊपर में है कि नहीं, तो ऊपर में लाल होने का कारण क्या है, वो ब्लड के कारण ऐसा दिखता है, वो पार ही नहीं होने देता है, ऐसा हमारे अंदर, मतलब उस लाइट को कह सकते हैं रोकने की इसमें क्षमता होती है। अच्छा एक और चीज़ हम बताते हैं, आप जब चैप्टर 2 में शायद पढ़ रहे थे भोजन के घटक, तो उसमें हम लोग पढ़े थे भोजन के घटक, शायद पढ़े थे उसमें, तो क्या पढ़े थे, वसा की जांच, है ना, वसा की जांच पढ़े थे, वसा की जांच में क्या पढ़े थे, वसा की जांच में पढ़े थे
कि एक कागज लीजिए और कागज पर कोई तैलीय पदार्थ को आप डालिए, कोई वासीय पदार्थ को डालिए। डालने के बाद क्या देखते हैं कि इस पर उसका दाग हो जाता है। यह दाग कारण क्या होता है? उस फैटी एसिड को जमने से, मतलब फैसिड जो जो तेल होता है उस तैलीय पदार्थ का उस पर जमना उसकी परभासी बना देता है। यानी यह कागज़ क्या बन जाता है? परभासी बन जाता है। आप इसको परभासी बन जाता है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसे लाइट में आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लाइट क्या होता है उसके थ्रू पार होता है। तो हम लोग पारदर्शिता का भी देख लिए कि पारदर्शिता क्या होता है कि नहीं, इसका प्रयोग भी देख लिए कि किस तरह से हम लोग प्रयोग कर करके जो है हम उसको पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन, है ना, बिलियन पढ़ेंगे। बिलियन में तीन अंग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। हम लोग डायग्राम से सीखते हैं कौन कौन से अलग अलग इसमें चीज़ें होते हैं। एक बीकर लिए है कि नहीं, बीकर, इस बीकर में आप जल भर दीजिए, है ना, वाटर भर दीजिए, जल भर दीजिए। अब इस जल में आप ऊपर से क्या कीजिए, नमक को मिलाइए, ठीक है। जब अभी इसमें नमक को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उसको बढ़िया से उसको घोल दीजिए। अगर पूरा सही से अगर घोल तैयार हो जाता है, उसमें नमक के अगर कण नहीं होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो वो जल में विलीन हो जाते हैं। एक तरह का होमोजेनियस मिक्सर तैयार होता है, यानी कहने का मतलब कि समांगी मिश्रण तैयार होता है। अब इसमें देखिए कि क्या 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 चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट किया। पहला तो जल, तो जल क्या है? तो जल जो है विलायक है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। नमक, ये नमक क्या है? तो विलेय है, यानी किसी विलायक में वैसे पदार्थ जो किसी विलायक में जाकर घुल जाते हों तो हम लोग उसको विलेय कहेंगे। विलायक किसको बोलेंगे? जो अपने में किसी पदार्थ को घोल ले उसको विलायक कहेंगे। इसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। और ये हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ जल प्लस पानी का, जो हमारा मिश्रण तैयार हुआ इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं विलयन, मतलब सॉल्यूशन। इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। जल एक विलायक की तरह काम किया, नमक एक विलेय की तरह काम किया, इसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय की तरह, नमक की तरह, विलेय की तरह कौन काम करता है? तो नमक हो गया आपका, चीनी हो गया, मतलब जो जल में घुले हो। अब ऐसा नहीं है कि जल में घुले केवल नमक ही चीनी होते हैं, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। आप फिटकरी को भी जल में घुला सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो विलाय की तरह काम करते हैं, जैसे किरोसिन, उसमें बहुत सारे जो है अलग अलग सॉल्यूट को घुला सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हाथ में अगर कालिक उलिक लग गया, है ना, कालिक अगर लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किरोसिन से उसको साफ़ कर लेते हैं। किरोसिन से क्या होता है? वो साफ़ हो जाता है। अलकतरा लग गया,
तो अलकतरा जो होता है ये भी आपको पानी से नहीं साफ होगा, यह पानी में घुले नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही उसको किरोसिन में डालिएगा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यानी इस इन दोनों के लिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, इन दोनों के लिए किरोसिन क्या हुआ, तो यह विलायक की तरह काम किया, विलायक की तरह काम किया। और इन दोनों क्या किया, तो ए कालिख और जो अलकतरा हुआ वो विलेय की तरह काम किया, जो जल में नहीं, जो किसी विलायक में घुल, किसी विलायक में वह खुद घुल जाता है तो वह विलेय होता है। तो हम लोग विलयन में देखें, सॉल्यूशन में देखें कि क्या क्या चीज़ें हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्लिसरीन को, ग्लिसरीन को, ग्लिसरीन भी एक विलेय है, एक विलेय है। अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होगा, यह घुल जाएगा। तो आपको याद भी रखना होगा कि ग्लिसरीन देखने में तो यह केमिकल जैसा लग रहा है कि यह जो है नहीं घुल सकता है, पानी में नहीं घुल सकता है, कोई दूसरे जो है विलायक में घुलेगा, लेकिन पानी में यह क्या हो सकता है, आसानी से इसको घोला जा सकता है। तो दूध, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूध, दूध का अगर एग्जांपल लें तो ये भी एक विलायक है, यानी ये भी आसानी से चीनी या अन्य पदार्थों को आपस में घुला लेता है, मतलब इस तरह से घुलाता है कि होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाए, समांगी मिश्रण तैयार हो जाए। जैसे उसमें अगर हम उसके अणुओं को, उसके कणों को अलग करना चाहें तो नहीं अलग हो पाएंगे, कैसे अलग होंगे, तो उसको वाष्पीकरण करके अलग कर सकते हैं। चलिए अगर हम पानी के बारे में बात करें, पानी के बारे में बात करें, अच्छा जल प्लस नमक, जल प्लस नमक, नमक का मिश्रण ही विलयन कहलाता है। पानी, अगर पानी की बात करें, यह जो है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम विलायक का उदाहरण है। पानी है, पानी जो है वो क्या है, सर्वोत्तम विलायक का उदाहरण है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लगभग सभी पदार्थों को, जैसे हमारे शरीर में पानी जानते हैं कि 60-70% होता है, 60-70% या 75% तक भी पानी होता है। आखिर यह कैसे संभव है, हम लोग जब पानी पीते हैं तो पूरा शरीर में वह सर्कुलेट करता है, ब्लड के साथ घुल जाता है, मतलब हर एक चीज़ों को वह घुलाने की क्षमता रखता है। जल का केवल काम हमारे शरीर में पाचन क्रिया में ही सहयोग करना नहीं, उसके पूरे पार्ट्स को, यानी जितने सारे हमारे अंदर शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, सभी अपशिष्ट पदार्थों को वह बाहर भी निकालने का काम करता है, अपने थ्रू सभी को घुला लेता है। जैसे यूरिया ऐसे खतरनाक रसायन है जो हमारे शरीर में बनते हैं, उनको भी वह अपने आप में घुलाकर वह जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है, या फिर पसीने के द्वारा भी बाहर वह निकलता है। तो आप याद रखिएगा कि जल यानी पानी जो है वो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम विलायक के उदाहरण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि क्या तापमान का इस विलयन पर कोई प्रभाव पड़ता है। तापमान का यानी हीट का क्या विलयन पर प्रभाव पड़ता है, विलयन पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, एकदम बात सही है। अगर आप एक बीकर में दो बीकर लीजिए, ऐसे आप सब समझ सकते हैं, दो बीकर लीजिए, एक में जल लीजिए, दूसरे में भी जल लीजिए, अब इसमें चीनी डालिए, इसमें भी चीनी डालिए,
दोनों समान मात्रा में डालिए, और जो पानी भी रहना चाहिए वो भी समान रहना चाहिए। अब इसमें चीनी डालने के बाद एक को आप हीट कीजिए और दूसरे को ऐसे ही रखिए, खुला रखिए, मतलब ऐसे ही उसको घोलिए। तो क्या देखते हैं कि यह पदार्थ जो हीट पर नहीं है इसको घुलाने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन जैसे ही आप हीट इसको करते हैं तो इसके घुलाने की क्षमता बढ़ जाती है, वह तुरंत घुलता है, और भी अगर इसमें हम चाहें जितना चाहें वो घुलाने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब रासा तैयार करता है, जलेबी छनने वाला जो हलवाई है, तो हीट करता है, हीट करके बिलियन को ज़्यादा ज़्यादा उसमें नमक को घुलाने, ज़्यादा ज़्यादा उसमें पानी को पाने थी, ज़्यादा ज़्यादा चीनी को उसमें घुलाने का प्रयास करता है, जैसे वह जलेबी क्या हो जाए, मीठा हो। तो हम लोग ये भी देख लिए कि तापमान का, हीट का बिलियन पर प्रभाव पड़ता है, किस तरह से पड़ता है। तो अगर हीट अगर हम करते हैं किसी सॉल्यूट को डालकर, तो वह सॉल्यूट यानी वह विलेय पदार्थ जल्दी घुल मिल जाता है, जल्दी घुल जाता है। तो बिलियन को भी हम लोग समझ लिए कि बिलियन क्या है। अच्छा, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी गैस हैं जो क्या होते हैं, द्रव में घुल जाते हैं। कुछ ऐसे भी गैस हैं जो द्रव में घुल जाते हैं। अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, आप O2 को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, या हवा। अगर हवा तो एक मिश्रण है, लेकिन कुछ हवा का कुछ भाग, कुछ प्रतिशत पानी में घुलनशील होता है, वो घुल जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वह क्या है, तो किसी द्रव में घुलनशील है, यह एक गैस है कि नहीं, यह एक गैस है। इसी कारण हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है यह विलेय नहीं है, यह द्रव में नहीं घुल पाता है, यह नाइट्रोजन जो है द्रव में नहीं घुल पाता है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा तक जाने के बाद नाइट्रोजन वहीं से रिटर्न हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बॉडी से बाहर निकलने का प्रयास करता है ब्लड के थ्रू, फेफड़ा में आता है, फेफड़ा के थ्रू बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन घुल मिल जाता है उसमें जाकर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन अघुलनशील है द्रव में, मतलब घुलता नहीं है, और हवा कुछ अंश तक घुलता है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह जल में घुलनशील होने का कारण ही, खास करके ऑक्सीजन की बात करें तो घुलनशील होने के कारण ही जलीय जीव जो होते हैं, जलीय पौधे या जलीय जीव जो होते हैं, वे पानी में जीवित रहते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण उनका होता है और सांस लेते हैं। जलीय जीव पानी में घुलनशील मतलब घुले हुए ऑक्सीजन को वे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आपको ये भी बात याद रखना होगा कि जलीय जीवों का जो श्वसन होता है वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन के साथ ही होता है। चलिए, तो हम लोग बिलियन को हम लोग देख लिए। आइए हम लोग और भी वर्गीकरण के तरीका ढूंढते हैं। क्या वर्गीकरण के तरीके को ढूंढते हैं, मतलब एनसीईआरटी में हमारा बस इतना ही तक था। एक और पॉइंट बचा हुआ है, वर्गीकरण से लाभ, यानी वस्तुओं के वर्गीकरण से क्या लाभ होते हैं, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे जिसे वर्गीकरण किया जा सकते हैं, वस्तुओं का अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा का चालन, मतलब संचरण। आप
प्रयोग करके देख सकते हैं। क्या कीजिए, तो एक बीकर लीजिए, आप बीकर लीजिए, इस बीकर में आप जल लीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ पदार्थों को आप एक लकड़ी को डालिए, एक रड डालिए, रड मतलब लोहा, और एक और डालिए, और क्या डालिएगा, एक शीशा डालिए, शीशा मतलब कांच डालिए। और उसके बाद क्या कीजिए, इसको हीट कीजिए, गर्म कीजिए। अगर गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद आप क्या पता करते हैं, आप पता करके देख सकते हैं, यानी कैसे पता कर सकते हैं, तो इसको छूकर ऊपर वाले पार्ट को इसके आधे भाग से कुछ कम ही में आप क्या कीजिए, उसको डुबोए रखिए और गर्म कीजिए। देखिएगा कि लकड़ी और कांच में है ना, इन दोनों में हीट, यानी हम आसानी से अभी भी उसको पकड़ सकते हैं हाथों से, उतना हीट नहीं हुआ है, उतना गर्म नहीं हुआ है। लेकिन लोहे को क्या देखिएगा कि तुरंत ही गर्म हो गया, क्या देखिएगा कि यह जो है तुरंत ही गर्म हो जाता है, उसको अब पकड़ नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया। तो यानी कहने का मतलब क्या कि लकड़ी और कांच में ऊष्मा का संचरण कम हुआ और लोहे में ज़्यादा हुआ। तो हम लोग इससे दो चीज़ सीखे, एक ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब वो आसानी से अपने थ्रू ऊष्मा का संचरण करवा सके, क्या करवा सके, संचरण यानी चालन, संचरण करवा सके, अपने थ्रू वह संचरण करवा सके। तो देखिए, एक हुआ ऊष्मा का सुचालक और दूसरा हुआ ऊष्मा का कुचालक या फिर ऊष्मा रोधी, है ना, ऊष्मा रोधी कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा के सुचालक हैं अधिकतर कौन होते हैं, तो धातु, है ना, धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। और ऊष्मा का कुचालक कौन होंगे, तो अधातु क्या होंगे, ऊष्मा का कुचालक होंगे। अब जैसे लकड़ी देख लीजिए आप, कपड़ा देख लीजिए आप, ईंट देख लीजिए, गत्ता इत्यादि। धातु में लोहा, सोना, एल्युमिनियम और भी ऐसे बहुत, मतलब लगभग सभी धातु होते हैं जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होते हैं। और ऊष्मा का कुचालक कौन होते हैं, तो लकड़ी, कपड़ा, ईंट, गत्ता, बाल, है ना, ये सब ऊष्मा का क्या होते हैं, तो कुचालक होते हैं। चलिए, तो हम लोग ऊष्मा का चालन हम लोग देख लिए, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग विद्युत का चालन पढ़ते हैं, विद्युत का चालन। इसके अनुसार भी क्या हो सकता है, इसके अनुसार भी वस्तुओं को अलग अलग कर सकते हैं, यानी जो ऊष्मा का, जो विद्युत का सुचालक है उसको अलग रख सकते हैं, जो विद्युत का कुचालक है उसको अलग रख सकते हैं। तो हम लोग जो है देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ विद्युत का
संचरण कर सकते हैं? कौन कौन से पदार्थ? चलिए तो एक प्रयोग करते हैं हम लोग, एक प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या? तो एक आप बल्ब लीजिए, बल्ब लीजिए और यहाँ पर आप एक, ये सब आपका तार है ना, तार है। आप यहाँ पर एक स्विच लीजिए, स्विच लीजिए, स्विच लीजिए और यहाँ पर खाली स्थान को छोड़िए, ठीक है, ब्लैंक को छोड़िए। अब यहीं पर वस्तुओं को रख रख के, है ना, वस्तुओं को रख रख के चेक करेंगे कि किस वस्तु को रखने से, हाँ आपको बैटरी भी लगाना होगा, ये सब बैटरी का क्या है, तो साइन है, ये बैटरी का साइन है, ये आपका बैटरी है, बैटरी है, बैटरी है, इस बैटरी का ये साइन है। आप बैटरी को इस पे लगा दीजिए, यहाँ पर स्विच है, स्विच को ऑन रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग, है ना, अलग अलग पदार्थों को यहाँ पर रख कर चेक कीजिए। सबसे पहले हम एक पेन को रखते हैं, कलम को रखते हैं, क्या कलम रखने पर क्या यह लाइट जलेगा? क्योंकि अभी तो टूटा हुआ परिपथ है, अगर ये आपका बल्ब है, ये आपका परिपथ है, जैसे ही हम यहाँ पर पेन को रखेंगे, कलम को रखेंगे, तो यह नहीं जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। तो कलम क्या हुआ, उसमें विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक हो गया। अब यहाँ पर एक किताब रखिए, किताब न रखिए, एक ईंट रखिए, है ना, ईंट रखिए, ईंट रखने पर भी बल्ब नहीं जलता है, इसका मतलब ये भी कुछ अलग हो गया। आप यहाँ पर एक अल्मोनियम रखिए, एल्यूमिनियम रखिए, तो यह क्या होगा, तो यह जो है जल जाएगा, मतलब सुचालक है। अगर जैसे आप अल्मोनियम को रखिएगा तो यह परिपथ कंप्लीट होगा और बल्ब जो है जल जाएगा। तो जैसे बल्ब जलना शुरू होगा तो इसका मतलब कि इसके थ्रू, यानी इस अल्मोनियम के थ्रू विद्युत क्या हुआ, पास हो गया, तो अल्मोनियम आपका सुचालक हो गया। आप इसमें लोहा को रखिए, तो जैसी लोहा का रखिएगा तो बल्ब जो है वह क्या होगा, जल जाएगा। लोहा को जैसी रखिएगा तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि ए अल्मोनियम, लोहा, ये सब क्या है, तो विद्युत का सुचालक है, और कलम और ईंट एक क्या है, तो विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह इसके स्थान पर अगर रखें तो नहीं इसके थ्रू पास हुआ, और ये अगर रखें अल्मोनियम और लोहा को रखें तो यह बल्ब जल उठा, इसका मतलब यह सुचालक की तरह काम कर रहा है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, वह जाने दे रहा है, संचरण उसके अंतर्गत हो रहा है। तो इस प्रयोग के थ्रू लोग क्या देखें, पदार्थों को दो भाग में बांट सकते हैं, एक ऐसे पदार्थ या एक ऐसे वस्तु जो ऊष्मा के सुचालक हैं, एक ऐसे वस्तु जो ऊष्मा के कुचालक हैं, एक ऐसे वस्तु जो विद्युत का सुचालक हैं, एक ऐसे वस्तु जो विद्युत का कुचालक है। दोनों पार्ट देख लिए, ऊष्मा और विद्युत दोनों का देख लिए। अब एक और काम कीजिए, पाँचवा नंबर में एक ग्रेफाइट का इसमें रड डालिए। ग्रेफाइट आप समझ रहे हैं, ग्रेफाइट जो होता है यह होता है अधातु, अधातु, लेकिन जैसे ही आप इसमें रखते हैं तो इसके बाद भी क्या होगा, यह बल्ब जल उठेगा। तो जैसे ही बल्ब उठेगा तो यानी इसके अंदर, इसके अंतर्गत जो है विद्युत परिवहन हुआ, विद्युत पास हुआ,
तो यह भी सुचालक की तरह काम करेगा, यह भी सुचालक की तरह काम करेगा। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु हुए भी सुचालक की तरह काम किया। तो हम लोग इस ग्रुपिंग से क्या सीखें, ग्रुपिंग से सीखें कि जो ए अधातु है, अधातु कॉलम एट तो अधातु है, तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होगा, और धातु, धातु विद्युत का सुचालक, सुचालक। यानी धातु अधातु का अगर बात करें तो धातु विद्युत का सुचालक और अधातु विद्युत का कुचालक है, ठीक है। ऐसे भी यह अपवाद आ गया, कौन अपवाद आ गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी क्या है तो विद्युत का परिवहन करता है, यानी अपने अपने अंदर विद्युत का संचरण होने देता है, यानी वह एक तरह का सुचालक की तरह काम करता है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा, फिर भी क्या है वह अधातु है, फिर भी क्या है वह अधातु है। अच्छा एक और पॉइंट हम बताते हैं आपको, आप पारा का नाम सुने होंगे। पारा जो होता है वह क्या होता है, पारा यह धातु है, धातु है। यानी जितने सारे धातु होते हैं वे ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन ये अपवाद के रूप में है, यह जो पारा है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का परिवहन होगा, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी दोनों का परिवहन होता है, यानी संचरण होता है, संचरण होता है आपका, संचरण होता है। यानी पारा में, पारा एक धातु है, पारा धातु है और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या है तो चालक है, सुचालक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताते हैं आपको, ऊष्मा, ऊष्मा का बहुत अच्छा है कि नहीं, ऊष्मा का बहुत अच्छा क्या है चालक है। इसलिए आप देखे होंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, जो हम लोग को बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, मापता है, तो उसमें पारा का प्रयोग किया रहता है, पारा का प्रयोग किया जाता है उस डॉक्टरी थर्मामीटर में। क्यों, क्योंकि थोड़े से ही अगर हीट अगर हो तो भी वह रीड कर सकता है, वह बहुत ही उष्मा के लिए वह बहुत ही क्या है तो सेंसेटिव है, तुरंत रीड कर लेता है, तो बहुत ही अच्छा चालक होने के कारण, वैसा उसके गुण होने के कारण हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग क्या करते हैं तो प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं तो पारा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देख लिए है ना, अलग अलग वस्तुओं का कैसे वर्गीकरण करते हैं, जो ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है, इन सभी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझें। अब हम लोग है ना, अब हम लोग आते हैं चुंबक है ना, चुंबक का प्रभाव, चुंबकत्व की दृष्टि से भी हम लोग वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। वैसे पदार्थ जो चुंबक से सट सकता है, चुंबक है ना, चुंबक उसको अपने ओर आकर्षित कर सकता है, वैसे पदार्थ जो चुंबक जो है अपने ओर किसी पदार्थों को आकर्षित नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग चुंबक यानी मैग्नेट को देखते हैं, मैग्नेट को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा, बस अभी संचरण करने के लिए वर्गीकरण है ना हेतु हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक, चलिए
चुंबक के दो गुण होते हैं, एक गुण होता है गुण, एक होता है आकर्षण, आकर्षण, दूसरा होता है विकर्षण, विकर्षण। इन दोनों गुणों के कारण क्या होते हैं, चुंबक यानी मैग्नेट हम लोग के समानता बहुत ऐसे पदार्थों में लगे होते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा गुण है इसका, चुंबक का, किसी को आपस में सटा लेना तो किसी को अपने से दूर हटा लेना। तो सभी पदार्थों को वह नहीं सटा पाता है, आप कुछ प्रयोग करके देखिए। जैसे वस्तु ले रहे हैं और एक सिरिंज बना रहे हैं, आकर्षित आकर्षित करते हैं और आकर्षित नहीं करते हैं। तो पहला नंबर वस्तु लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लीजिए। एल्यूमिनियम को आप मैग्नेट में, है ना, मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं, एक को नॉर्थ नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर उसके पास एल्यूमिनियम को ले जाएंगे तो वह आकर्षित नहीं होगा, है कि नहीं, वह आकर्षित नहीं होगा। अच्छा, दूसरे चीज़ों को ले जाते हैं, कपड़ा, कपड़े को भी आकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। अच्छा, आप लोहा को ले जाइए, तो जैसे आप लोहा को ले जाते हैं या क्या हो जाएगा, वह आकर्षित उसको कर लेगा। अच्छा, अगर आप प्लास्टिक ले जाते हैं, तो अगर प्लास्टिक ले जाते हैं तो वह आकर्षित नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता है। ऐसे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको हम मिटा ही देते हैं तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ से समझ में आएगा हम लोग को। पांचवा नंबर, आप कोबाल्ट लीजिए, कोबाल्ट लीजिए, आप जैसे कोबाल्ट को ले जाते हैं तो क्या होगा, यह आपस में उसको सटा लेगा। क्या देख रहे हैं, कि कुछ पदार्थों को वो आपस में सटा रहा है और कुछ पदार्थों को आपस में नहीं सटा रहा है। तो उसके कारण हम लोग वस्तुओं को अलग कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो वस्तुओं को सटा लेते हैं, वैसे पदार्थ जो वस्तुओं को नहीं सटा पाते हैं। चुंबक के इस गुण को, इस गुण से हम लोग वस्तुओं का वर्गीकरण आसान हो जाता है। या किसी ऐसे पदार्थ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे हमको क्या करना है, चुंबक से सटने वाले पदार्थों को अलग करना है। तो जैसे आप उसके चुंबक को उसके आसपास ले जाइएगा तो क्या होगा, चुंबक उसको आकर्षित कर लेगा और नहीं आकर्षित करने वाला पदार्थ अलग हो जाएगा। तो चुंबक को भी हम लोग देख लिए कि चुंबक का प्रभाव किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, वर्गीकरण, वर्गीकरण का लाभ, वर्गीकरण का लाभ क्या है, क्यों हम लोग वर्गीकरण करते हैं। देखिए हम समझते हैं, घर में आप रहते हैं तो अगर आप किचन में जाते हैं तो किचन में आपको थाली की जरूरत पड़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप थाली के लिए आप डाइनिंग रूम में चल जाइए, है कि नहीं, या फिर आप पूजा घर में चल जाइए, गैस के लिए अगर कहना हो तो दूसरी जगह चल जाइए, ऐसा तो नहीं है। जितने भी भोजन में शामिल होने वाले पदार्थ, शामिल होने वाले वस्तुएं हैं, ये सभी एक जगह रहते हैं। चलिए अगर हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या देखते हैं, वह अलग अलग जो है वह पार्ट बाई पार्ट बटा रहता है, कुछ अलग पार्ट्स में, कुछ अलग कैटेगरी का बुक रहता है। जैसे मैथ का हो तो मैथ का उसमें रहेगा, साइंस का हो तो साइंस का रहा, बिग है कि नहीं, अगर सोशल साइंस का हो तो सोशल साइंस का रहा, साइकोलॉजी का हो तो साइकोलॉजी का अलग बुक रहा। अब जैसे मैथ का अगर बुक हो तो मैथ के बुक में भी वर्गीकरण हो सकता है, क्लास 9th का बुक है, क्लास 8th का बुक है, क्लास 7th का बुक है, क्लास 6th का बुक है,
उसमें भी वर्गीकरण हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि क्लास हम सिक्स क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत बहुत तरह के अगर मैथ के बुक होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के होते हैं, तो उसके कारण भी हम लोग उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। इससे हमको ढूंढने में आसानी होती है किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु को अगर सुव्यवस्थित ढंग से अगर रखा जाए तो हमें आसानी से हम उसको ढूंढ लेते हैं, तो हमारा लाभ हुआ। अगर आप दुकानदार के पास चले जाइए, है कि नहीं, किसके पास, दुकानदार के पास चले जाइए, जो मान लेते हैं कि जिसको पंसारी बोलते हैं, आप किराना दुकान के पास चले जाइए, वहाँ जब आप दाल मांगते हैं तो ऐसे चारों तरफ तो नहीं घूमता है, वो क्या करता है, दाल जितने प्रकार के दाल हों, अब अरहर के दाल हो, मसूर के दाल हो, मूंग का दाल हो, जितने सारे उसके पास दाल होंगे वह एक जैसा एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। अगर बिस्कुट उसके पास अगर लेना हो, बिस्किट्स, तो बिस्किट्स अलग अलग वैरायटी के वह एक अलमारी में रखता है, एक जगह पर रखता है कि नहीं। अगर आपको साबुन लेना हो तो उसको भी अलग बांटा हुआ है, तो देखेंगे कि उसके पास वस्तुओं का वर्गीकरण होता है, अलग अलग, है ना, समूह में वस्तुएं उसके पास बटे हुए होते हैं, तो ये हमारा क्या है, लाभ है, उसका भी लाभ है। वो हम जैसे जाते हैं तो आसानी से हमें वस्तु ढूंढ कर तुरंत देता है, ढूंढना भी नहीं पड़ता है, बस उसको देखना रहता है कि हम यहाँ पर वस्तुएं उठा के दे दी आपको, तो वर्गीकरण का हमारा ये लाभ है। हाँ, अगर हमको वस्तुएं सुसज्जित ढंग से हैं, अलग अलग ढंग से हैं, तो मतलब अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं, ग्रुपिंग में रखे हुए हैं, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं, उसको से बहुत चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई खोज करना चाह रहा हो, कोई साइंस में खोज करना चाह रहा हो, जैसे डीएनए पर रिसर्च करना चाह रहा हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वह चल जाएगा मैथ के, मैथ को सीखने चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वह जो है मेटलर्जी डिपार्टमेंट चल जाएगा और उसमें रिसर्च करना चालू कर देगा, नहीं, वो डीएनए का टेस्ट करना है बायोलॉजी में जाएगा, बायोलॉजी से भी कहाँ जाएगा, तो डीएनए पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है, किस प्रकार से वह डीएनए को टेस्ट करना चाहता है, तो अगर मान लेते हैं जंतु को वह रिसर्च करना चाहता है, जंतु विभाग में जाएगा। तो इस तरह से वर्गीकरण, हर एक चीज़ों का वर्गीकरण होता है। तो हम इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखें, वस्तुओं के समूह बनाना, कैसे कैसे वस्तुओं को समूह बना बना के हम लोग अलग अलग पार्ट्स को देखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।